कहने को तो योगी जी भी युवा हैं, लेकिन उनके बात ऊपर से निकल जाती है। हम जो बात करना चाहते हैं यूपी की, नए विचारों की, ये बातें उनके समझ में नहीं आई। हम 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती के अवसर पर लोक संकल्प 2022 के नाम से अपने मैनिफेस्टो को जारी करेंगे। डॉक्टर एपीजे कलाम विजन प्लान की एक नई योजना हम बनाएंगे, जिसके 6 मुख्य स्तंभ होंगे, यानी जो नई नई प्रौद्योगिकी बन रही है, तकनीक बन रही है, युवाओं को आधुनिक सोच से और विचारों से जोड़ने के लिए भारत को उसमें नई सफलता हासिल करनी चाहिए। उसी तर्ज पर प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए हम प्रदेश के स्कूल और कॉलेजेस में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेंगे। यूपी के सरकारी स्कूलों की क्या हालत है? सिर्फ उत्तर प्रदेश के सिर्फ 5% स्कूलों में कंप्यूटर है, 5%। तो हमने तय किया कि 2030 तक सभी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग होगी और इंग्लिश मीडियम शिक्षा का भी साधन आपको दिया जाएगा। आप हमारी सरकार बनाएंगे तो डॉक्टर एपीजे कलाम जी के स्मृति में साउथ एशिया की पहली विश्वविद्यालय जो ड्रोन और पायलट लैब टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए बनाई जाएगी, और वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ बहुत इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बहुत बच्चे हैं जो चीजों को समझते हैं। कोई बात नहीं योगी जी, डंडा मार लो, रोक लो। बरेली में भी रोका, लखीमपुर भी रोका, मेरा काम रुकने का नहीं है। मैं नहीं रुकूंगा, ये काफिला नहीं रुकेगा। आप रुकोगे क्या? योगी जी के डंडे से रुकोगे कभी?